बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत छोटा सवाल है, इसके इसके 3 पार्ट हैं, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ 2 ही पार्ट करवाऊंगा। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज करनी तो हम लोग इसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यार सवाल आपके सामने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्तक निकाल, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल आपने निकालने हैं। तो पहला पार्ट जो आपके पास है 12, 15, 21 और दूसरा पार्ट है 17, 23, 29। तीसरा पार्ट भी है, तीसरा पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। इन दोनों को समझ करके आप तीसरा पार्ट स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में ये कहता है 12, यहां पर 15 और यहां पर मैं 21 इन अंश में रख देता हूं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन जो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन पूर्णांकों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब जैसा आपको पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले 12, तो 12 के हमने ऐसे टुकड़े करने और टुकड़े करते 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 वहां तक ले जाने हैं जहां तक कि उसके बाद अन्य टुकड़े ना हो। मैं एक बिल्कुल रफ लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं कि ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करते 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 जाने हैं कि जिसके बाद टुकड़े होना असंभव है, उस पर टुकड़े हम कर ही नहीं सकते, तो वहां तक हमको उसको लास्ट ले जाना है। तो आपको बताइए, देखो अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूं कि अगर मैं 4 3 12 करूं, अब देखिए अगर मान लो मैं अगर 4 3 12 करूं, आप पता है कि 4 3 12 होता है, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर 4 का टुकड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूंगा, 2 × 2 करूंगा और फिर 3 करूंगा। तो मैं डायरेक्ट ये ना लिख करके, क्योंकि देखो 2 के बाद आप कोई भी गुणनखंड नहीं हो रहा है, 2 को हम क्या करेंगे, 2 × 1 = 2 ही करेंगे, 3 को भी 3 × 3 ही करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, लास्ट ये है अभाज्य गुणनखंड, इसके बाद हम आगे इसको आगे टुकड़े इनके गुणनखंड नहीं कर सकते। तो 4 × 3 ना लिख करके मैंने 2 × 2 × 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 × 2 × 3। इसी ढंग से 3 15 के हो जाएंगे 3 × 5, इसका कोई नहीं। फिर 21 के जो आएंगे 3 × 7, यहां तक क्लियर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसके बाद से इनको जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 1 में ही आएंगे, यानी कि 3 × 3 7 × 7, जितनी बार पुनरावृत्ति करोगे 1 × 1 × 1 ऐसे निकलेगा, तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो अब अगर मुझे निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो कि इन तीनों में कॉमन होगा, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन, जो तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो आप देख रहे हैं 3 यहां पर भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो इसका मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला वो क्या निकला, 3 निकला। इसके बाद कॉमन कोई भी नहीं है, ना 2 कॉमन, 2 सिर्फ यही है, यहां नहीं है, ठीक है, 5 यहां है, फिर यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो इस ढंग से इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा 3। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, तो आपको पता है कि एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ है वो तो रखेंगे रखेंगे, वो तो एक बार जितने बार निकला उसको हम रखेंगे रखेंगे, ये इसका एक बार रखेंगे, और गुणा उसके बाद जितना बचा है वो सबको लिख डालेंगे। तो ये होगा 2 × 2 × 2 × 5 × 7, यहां पर 7 था ये, ठीक है। तो अब ये पूरा गुणा हो कितना आएगा, आप देखिए ये आपको जाएगा 3 × 2 = 6 × 12 = 60 × 7, तो ये होगा 7 × 6 = 42, 420। तो इस प्रकार से जो एलसीएम निकला वो निकला 420 और जो एचसीएफ निकला वो निकला आपका 3। तो ये आपका जो है इस सवाल का पहले खंड का आंसर रहेगा, एलसीएम 420 और एचसीएफ निकला 3। कई बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एलसीएम तो एलसीएम एम का मतलब क्या, तो मल्टीपल हो गया ना, क्या हो गया, मल्टीपल, तो मल्टीपल मीन्स गुणा, तो यानी कि हमने क्या करना है एलसीएम में गुणा 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 जितने सारे सब गुणा करना है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, 17, 23, 29 वाले पार्ट में हम देखते हैं कि एचसीएम और एलसीएम कैसे निकालना है। तो दूसरा खंड इसका है 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वही सेम मैं जो तरीका बताया अपने 23 और यहां पर ये 29, इनके हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड में वही कि जहां तक जिसके बाद हम गुणनखंड ना कर सके, यानी कि टुकड़े ना कर सके। तो 17 का देखो, 17 का हम 17 का कोई भी गुणनखंड नहीं होते, तो 1 × 17 लिखेंगे। इस ढंग से 23 के भी कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होते बजाय इसके, इस प्रकार 29 के भी और गुणनखंड नहीं होते बजाय इसके,
समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर इसके बाद कोई भी इसके हम गुणनखंड यानी कोई भी इसका टुकड़े नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर अगर एच सी एफ की मैं बात करूं तो आप देखिए एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आपका महत्तम समापवर्तक क्या होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो आपको दिख रहा है कि तीनों में कॉमन क्या है, एक है उभयनिष्ठ, क्या है एक है। तो इस 17, 23, 29 का जो एच सी एफ निकला है वो निकलेगा आपका एक, ठीक है। और इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने मैंने क्या बोला था, जो एचसीएफ उसको तो निकालने उसको तो रखना ही रखना है। तो एचसीएफ हमारा एक है, अब गुणा उसके बाद जो बच रहा है सबको गुणा कर डालो। तो क्या बचा, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो इनको गुणा करके आता है 11,339 आता है। तो यही आपका क्या है, एलसीएम है इन तीनों संख्याओं का। तो 17, 23, 29 का एलसीएम है 11,339 और एचसीएफ आया एक। तो इस प्रकार आप देखें इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट बहुत इजी है, वो तो इतना टफ नहीं जितना ये टफ, टफ तो खैर कुछ भी नहीं है पर इतना है कि आप इसको कर सकते हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन दो पार्ट का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर सॉल्व करना हमारा फर्ज है, इसलिए मैंने सॉल्व करा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर देना ताकि हमारी जो वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है और जो वीडियोज हम बनाते हैं वो आप तक समय पर पहुंच जाए और आप उस वीडियो का आनंद उठा सके, उसका लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा नए क्वेश्चन के साथ यानी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।